प्रोजेक्ट इमरान मतलूबा नतीजे हासिल करने के बाद बंद किया जा रहा है। अब बहुत से लोगों को यकीन आने लगा है कि इमरान खान को लॉन्च करने वाले वही लोग हैं जिन्होंने इमरान खान को अब टफ टाइम दे रखा है। मगर पहले किसी को यकीन नहीं आ रहा था। 2007 और 2008 में इस प्रोजेक्ट के लिए मुकम्मल तैयारी की गई थी और ये वो वक्त था जब सूबा खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी उरूज पर थी। तमाम सियासी पार्टी के लीडर्स परेशानी का शिकार थे और हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे जारी थे। ये पाकिस्तानी आवाम का वतीरा रहा है कि वो किसी भी हुकूमत में खुश नहीं होती और ना ही सबको खुश रखा जा सकता है। 2013 के इलेक्शन कैंपेन में खैबर पख्तूनख्वा के सियासी जमातों खास तौर पर अवामी नेशनल पार्टी को निशाना बनाया जाता है। उन्हें सियासी जलसों से दूर रखने की कोशिश की जाती है, इसलिए जो बयानियां वो बयान करना चाहते हैं वो लोगों तक नहीं पहुँचता, बल्कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अवामी नेशनल पार्टी के किरदार पर उंगलियाँ उठाई जाती है कि उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में पख्तूनों को दहशतगर्दी के जंग में झोंका है, जबकि मरकजी हुकूमत भी जेर एहताब आती है। और इस वक्त में ड्रोन हमलों के खिलाफ इमरान खान पेशावर में एहतजाज करने लगते हैं। यही वक्त प्रोजेक्ट इमरान खान के लिए साजगार होता है। अवाम समेत एस्टेब्लिशमेंट के मुकम्मल सपोर्ट में वो अमेरिका के खिलाफ आवाज उठाता है और कराची से खैबर तक लोगों के सामने इमरान खान मुल्क के लिए मसीहा की तौर पर उभरते हैं, जिसमें ज्यादातर तालीम याफ्ता अफराद होते हैं। मगर इलेक्शन में मरकज में इमरान खान को हुकूमत नहीं दी जाती, बल्कि एक केस प्रोजेक्ट के तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के भागदौड़ इसके हवाले की जाती है। इसमें परवेज खटक समेत आतिफ खान मौजूद होते हैं और ये हुकूमत अपना वक्त गुजार लेती है। इनके आपस में इख्तलाफात होते हैं, मगर मरकज में हुकूमत न होने के बायस इन्हें वो फायदा नहीं मिलता जो होना चाहिए। फिर वक्त पलट खाता है और इमरान खान एक दफा फिर हुकूमत के खिलाफ उड़ते हैं और इस्लामाबाद में धरना देते हैं जो 126 दिनों पर मोहित होता है, जिसमें वो वही हरकतें करते हैं जो 2023 में की है। पीटीवी और जियो टीवी पर हमला कर देते हैं, सिविल नाफरमानी के तहरीक का ऐलान करते हैं और बिल जलाए जाते हैं। इस धरने में ही इमरान खान की रियाम खान से जड़ जाती है और फिर धरना, जिसका इख्तिताम एक आलमी साने पर होता है, जिस पर अवाम ना नवाज शरीफ को माफ करेगी, ना इमरान खान, ना इससे जुड़े दीगर अनासर को माफ किया जा सकता है, क्योंकि आर्मी पब्लिक स्कूल के शहीदों का लहू रायगान नहीं जा सकता। वहाँ उन खानदानों में अब भी सूरज तुलू नहीं होता। इस साने के बाद धरने का इख्तिताम हो जाता है और दोनों सियासी लीडरान के सियासी मौत होती होती रह जाती है। इस वक्त एक ही सियासी मौत यकीनी थी, मगर उस साने ने उन दोनों लीडरों को दोबारा सियासत में इन किया। फिर वक्त ने देखा कि इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट के गोद में बैठ गए। इमरान खान के साथी आर्मी के खिलाफ एक बात भी बर्दाश्त नहीं करते थे, वो मरने मारने पर तल जाते थे। फिर इलेक्शन 2018 हो जाती है, जिसमें एक दफा फिर खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत आ जाती है। हालांकि ये पेशावर की रीत रही है कि वो दूसरी दफा किसी को मौका नहीं देते, मगर इस दफा एक मर्तबा फिर पेशावरी इमरान खान को बन्नू और पेशावर के NA1 की सीट जितवा देते हैं, जो इमरान खान से उनकी मोहब्बत का सबूत होता है। मगर खान साहब बन्नू और पेशावर के सीट को छोड़कर दूसरी जीते हुई सीट से कौमी असेंबली में पहुँच कर वजीर आजम बन जाते हैं और अपना 100 दिन का मनसूबा अवाम के सामने रख लेते हैं, जो अवाम को पसंद आता है और उन्हें खान में ही उम्मीद की किरण नजर आती है। अवाम की बड़ी तादाद उन्हें पसंद करती है और उसके साथ साथ उन पर एक प्यार भरा हाथ भी मौजूद होता है। अवाम चौके पुराने चेहरों को देख देख कर थक चुकी होती है, वो नए लोगों को आजमाना चाहते हैं और यूं एक नई हुकूमत गो के ज्यादातर इसमें जनरल मुशरफ के लोग होते हैं और उसे मुशरफ की टीम भी कहा जाता था, मगर इमरान खान ने जो उसे बॉसों की बोलती बंद हो गई थी। जिन पॉलिसियों की इमरान खान बात करता था वो अवाम दोस्त पॉलिसियां थी, मगर वो अलग बात है कि वो असर नहीं दिखा पाई। इस दौरान अली वजीर की गिरफ्तारी हुई, मंजूर पश्तीन के एहतजाज हुए, TLP के एहतजाज हुए, मगर हुकूमत चलती रही। अवाम को कोई रिलीफ नहीं मिलता, वो हाल होता है जो पिछली हुकूमतों में होता था। पार्टी के अंदर खान साहब के लोगों को नवाजा जाता है, फिर रियाम खान से शादी और फिर तलाक तक की कहानी, यहाँ पर कंदील बलोच का इमरान खान के घर के सामने धरना, फिर उसकी पिनकी पीरने की खबर और खबर मानिका से बुशरा बीबी की तलाक और इमरान खान से शादी, और यहाँ पर इमरान खानी सियासत में एक नया मोड़ आता है जब सब बातें पीरने की मानी जाती हैं।
किसको पार्टी से दूर करना है, किसको पार्टी में ओहदा देना है और किसको मसंद इकदार पर रखना है। ये सब पीनी के फैसलों से होने लगता है और फिर जहांगीर तरीन और अलीम खान जैसे लोग पार्टी से निकल जाते हैं। उस्मान बुज़दार को वजीर आला पंजाब लगा दिया जाता है और साथ में ही एस्टेब्लिशमेंट के साथ कशीदगी शुरू हो जाती है। खान साहब उस हद तक चले जाते हैं कि जब तक उसको समझ आने लगती है कि पानी सर से गुजर चुका होता है, असेंबली से निकलकर पेशावर, फिर बनीगाला और जमान पार्क तक के सफर में अमेरिका को मोदी इल्जाम ठहराना, फिर सिक्योरिटी एजेंसियों को टारगेट करना, यानी सब्र की इंतहा करा के वो दम लेता है। और जब सिफर अंग्रेजी वाला सिफर बन जाता है तो लगाम डालने का वक्त आ जाता है और फिर हम देखते हैं कि प्रोजेक्ट इमरान खान के खात्मे का वक्त शुरू हो जाता है और पार्टी के वर्कर्स और कुछ लीडर के कहने पर वो कुछ कर गुजरते हैं जिसका तस्वर भी नहीं किया जा सकता। मुल्की अमलाक, फौजी अमलाक को अरबों का नुकसान दिया जाता है और अमेरिका को इल्जाम देने वाला फिर अमेरिका से मदद की इल्तिजा करता है। इस पूरे वक्त में जितना अवाम ने इमरान खान को सपोर्ट किया, शायद ही किसी सियासी लीडर को इतनी अहमियत किसी ने दी हो। सियासतदानों को इतनी पॉपुलरिटी बहुत मुश्किल से मिलती है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में ज़ुल्फ़िकार भुट्टो जैसे लीडर को फांसी पर चढ़ाया जाता है, बेनजीर भुट्टो जैसी लीडर को मार दिया जाता है, अवाम निकलती है मगर हाथ कुछ नहीं आता, नवाज शरीफ जैसे सियासी रहनुमा से हुकूमत छीन ली जाती है और वो देखता रह जाता है। तो इमरान खान तो उन सब के सामने कुछ भी नहीं है और ये जितने भी बड़े लीडर हैं ये जेल से नहीं डरते। खान अब्दुल गफ्फार खान, वली खान बाबा जैसे सियासी रहनुमा को आज भी याद रखा जाता है मगर इमरान खान की गलतियां उसे खुद ले डूबी हैं और जो चहिता लॉन्च हुआ था अब उसी चहिते के लिए टफ टाइम भी वही लोग दे रहे हैं क्योंकि सियासी रहनुमा के हाथों में कुछ भी नहीं है। अब आने वाला वक्त बताएगा कि प्रोजेक्ट इमरान खान के बाद क्या होने वाला है, क्या दोबारा रीलॉन्चिंग होती है या किसी और को मोड़ा बनाकर आगे किया जाएगा। मगर अवाम की एक बड़ी तादाद प्रोजेक्ट इमरान खान के नाम होने पर मातम कनान है और उन्हें यकीन नहीं आ रहा कि ये प्रोजेक्ट नाकाम हो चुका है। मगर हम इस प्रोजेक्ट को नाकाम नहीं कहेंगे, जो मकसद हासिल करना था वो पूरा हो चुका है और ऐसे खेलों में नाकामी का सवाल ही मौत होती है।